मार्क्स में हुकवाम की लाइफ साइकिल पूछी गई है। तो हुकवाम जो इसे एंसाइलोस्टोमा ड्यूटेनिली के नाम से क्वेश्चन आया है, अब इसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो सिंपल लाइफ साइकिल होती है, यानी एक होस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा है? इन्फेक्टिव लार्वा जो है वो फाइलेरी फॉर्म लार्वा, उससे इन्फेक्शन होता है। लार्वा जो है वो स्किन को पेनिट्रेट कर देता है, उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। ब्लड स्ट्रीम में पहुंचने के बाद वो लंग्स में जाता है, लंग्स में वो कैपिलरीज को पेनिट्रेट करके एल्वेलाई में, एल्वेलाई से ब्रोंकियल ट्री, ट्रेकिया, लेरिंग्स, फेरिंग्स और फाइनली एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस में आने के बाद फिर से सलाइवा के द्वारा स्वेलोइंग हो जाती है। इसके बाद ये जेजुनम में पहुंच जाता है और वहाँ की म्यूकोसा से अटैच हो जाता है। उसके बाद जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? एडल्ट में 3 to 4 वीक्स में एडल्ट में बदल गया। उसके बाद जो एडल्ट फॉर्म है वो क्या करेगा? कैप्सूल एडल्ट फॉर्म कोपुलेट करेगा, उनमें एडल्ट फॉर्म में कोपुलेशन होगा। उसके बाद ग्रेविड फीमेल हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो गई। उसके बाद उसने एग ले कर दिए और ये एग जो देती है वो सोइल में देती है और फिर उस एक से क्या बना? रेपडिटी फॉर्म लार्वा। अब ये रेपडिटी फॉर्म लार्वा आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? रेपडिटी फॉर्म लार्वा जो है उसकी मोल्टिंग होगी और ये दो बार मोल्टिंग हुई, फिर उसके बाद इसमें टोटल मोल्टिंग होती है, लार्वा मोल्ट ट्वाइस, दो बार मोल्टिंग होती है और इन्फेक्टिव फाइलेरी फॉर्म लार्वा बन जाता है। तो दो बार मोल्टिंग होती है, जैसे कि पहली मोल्टिंग होती है रेपडिटी फॉर्म लार्वा में, माउथ पार्ट्स बन जाते हैं उसमें, और फिर एक बार मोल्टिंग होती है तो उसे बकल कैप्सूल बन जाता है। ठीक है, तो लार्वा दो मोल्टिंग होती है रेपडिटी फॉर्म लार्वा में और फिर आगे चल के फाइलेरी फॉर्म लार्वा में भी दो मोल्टिंग होती है जिससे कि बकल कैप्सूल बन जाते हैं, ऐसा है। अब इसकी हम ये लाइफ साइकिल ही पूछी गई थी, लेकिन हम इसके कुछ और फीचर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि इसका जो क्लिनिकल इन्फेक्शन है, एनसाइलोस्टोमियासिस हो जाता है, हुकवॉर्म इन्फेक्शन। इसमें मेनली क्या होगा सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन में जो है वो क्यों, किसकी वजह से होता है? लार्वा की वजह से और एडल्ट की वजह से। लार्वा से क्या होता है? प्रूराइटिक मेकुलोपेपुलर डर्माइटिस, यानी कि ईचिंग होगी स्किन में। इसके अलावा ग्राउंड ईच भी होती है इसमें। इसके अलावा लोप्लस न्यूमोनिया होता है जिसमें कि ओसिनोफिलिक हेमरेज होता है और साथ में ओसिनोफिल देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पे क्या होगा? वोमिटिंग, डायरिया, एपिगेस्टिक रीजन में पेन, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। आयरन डिफिशेंसी, एनीमिया, क्योंकि ये ब्लड सक कर लेता है। फिर लैब डायग्नोसिस में स्टूल एग्जामिनेशन लगा लो, अगर 50 से ज़्यादा उसके एमजी से उसके अंडे हैं तो अब क्या होगा? मासिव इन्फेक्शन है। और 24 आवर्स अगर एग्जामिनेशन तुरंत 24 आवर्स के अंदर करना चाहिए, अगर लेट कर दिया तो जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है रेपडी फॉर्म लार्वा, और हमें रेपडी फॉर्म लार्वा भी देखने को मिल सकता है। ब्लड एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, इसमें ओसिनोफिल काउंट ज़्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। और हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, मेलबेंडाजोल पैरेंटल पामेंट दे सकते इसमें ट्रीटमेंट में। और बचाव क्या कर रहा है? सोइल फेसेस को इन्फेक्टेड होने से रोकना है। इसके अलावा हैंड हाइजीनिंग, फिट वगैरह को जो है ग्लव्स पहनना है। और इसके अलावा यहाँ पे शुरुआत में जो इसकी वो है मॉर्फोलॉजी, तो मॉर्फोलॉजी को शॉर्ट में देख लेते हैं। जैसे कि एडल्ट जो है उसी का किस में रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, रेडिश ब्राउन कलर का एडल्ट होता है। इसका इंटीरियर एंड कैसा होता है? बेंट होता है, इसीलिए इसका नाम है हुकवॉर्म। इसमें चार पेयर क्या होते हैं? टीथ होते हैं, दो वेंट्रल, चार पेयर टीथ कहाँ पे होते हैं? वेंट्रल पे, और दो ब्लंट टीथ होते हैं इसके डोर्सल एस्पेक्ट पे। 6 से 8 साल इसकी लाइफ स्पैन है। अगर मेल की बात करें तो 811 mm लंबा और 0.4 mm चौड़ा। फीमेल जो होती है वो 10 से 13 mm लंबी और 0.56 mm इसकी वो होती है, चौड़ाई होती है। अब इसके बाद जो मेल है उसका जो पोस्टीरियर एंड है उसमें अम्ब्रेला लाइक कोपुलेटरी बर्सा पाया जाता है। और जो फीमेल होती है वो ओविपेरस होती है, 10,000 से 25,000 एग लाई करती है। इसकी एग जो है वो 60 into 40 माइक्रोमीटर डायमीटर, और एग जो है वो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, हाइलिन सेल मेम्ब्रेन से कवर रहेंगे। जो ओवम रहेगा ठीक है, वो सेगमेंटेड ओवम रहेगा, उसमें 4 ब्लास्टोमियर्स रहेंगे। इसके अलावा एग का फर्दर डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? मिट्टी में होता है, जिससे रेपडिटी फॉर्म लार्वा बनता है, और रेपडिटी फॉर्म लार्वा में मोल्टिंग होती है, उसे फाइनली बन जाता है फाइलेरी फॉर्म लार्वा। अब इसका हम डायग्राम देखें तो हुकवॉर्म का डायग्राम, ये एक का डायग्राम दिख रहा है, इसमें इस तरीके का है ये ऊपर, जिसमें कि ये ब्लास्टोमियर्स दिख रहा है। ठीक है,
और इसके अलावा यहाँ पे लाइफ साइकिल हम पढ़ चुके हैं।